नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है। कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट के साथ ही चुनावी प्रक्रिया भी अगले महीने से शुरू हो सकती है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से समय समय पर चुनाव को लेकर अलग अलग गाइडलाइन जारी की जा रही है। इसी क्रम में अब चुनाव को लेकर आयोग की तरफ से एक और जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर साथ ही कोरोना के वर्तमान माहौल को ध्यान में रखते हुए लोगों की खास सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। कि पंचायत चुनाव में यह पहला मौका होगा जब सभी मतदाता ईवीएम का बटन ग्लव्स पहनकर दबाएंगे। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान प्रशिक्षण से लेकर नामांकन और मतदान से लेकर मतगणना और आवागमन तक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने वाले को मास्क का उपयोग करना होगा। बिना मास्क के लोगों को वोट देने से तो वंचित किया जाएगा ही, साथ ही उनसे उसी समय फाइन के रूप में 50 रुपए की वसूली भी की जाएगी। इसको लेकर हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी जानकारी कर दी है, जिसके तहत आयोग ने साफ कहा था कि मतदान के लिए बूथ में आए लोगों ने अगर मास्क का उपयोग नहीं किया हुआ है तो उनसे इतनी राशि फाइन के रूप में वसूली जाएगी। इसके साथ ही चुनाव के दौरान मतदान से जुड़े कर्मियों और पदाधिकारियों को बड़े हॉल में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मियों को पदाधिकारियों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जाएगी, ताकि चुनाव का आयोजन भी हो सके और कोरोना से बचाव को लेकर जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा सके। इतना ही नहीं, कोरोना से बचाव के लिए मतदान केंद्र, प्रशिक्षण स्थल और व्रजगृह सभी जगह पर पहले थर्मल स्क्रीनिंग का काम किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी मतदान कर्मी में कोरोना के लक्षण देखने को मिलते हैं तो उसे रिजर्व प्रतिनियुक्ति पर रखा जाए, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे तत्काल क्वारंटीन में रखा जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना के वर्तमान माहौल को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव के तर्ज पर पंचायत चुनाव के आयोजन को भी सफल बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों को कोरोना से बचाव के लिए कुल 17 मानकों के आधार पर तैयारी करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। यह पहला मौका होगा जब पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए ऑनलाइन सेवा को प्रमुखता दी जाएगी। सामान्य वोटर के वोट कास्ट करने के बाद मतदान कर्मी पीपीई किट पहनकर कोरोना लक्षण वाले मतदाताओं को पूरी सूची के साथ वोट दिलवा सकेंगे। इसके साथ ही एक लाइन में केवल 25 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। महिला, पुरुष और बुजुर्ग का अलग अलग लाइन का निर्धारण किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जा सके और मतदान की प्रक्रिया भी सुगम तरीके से करवाई जा सके। साथ ही बूथों में प्रवेश करने से पहले ही लोगों को ग्लव्स दे दिया जाएगा। इसके साथ ही मतदान के दौरान लोगों को जो स्क्रीनिंग करवाई जाएगी उसमें अगर किसी में भी लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसे लोगों को विशेष टोकन दिया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों से अंतिम में मतदान कराया जाएगा, ताकि अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण हो भी तो वो स्वस्थ लोगों को संक्रमित ना कर सके। इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में तैयारियों का सिलसिला जारी है। उम्मीद की जा रही है कि 10 चरणों में होने वाले इस चुनाव को सितंबर से नवंबर के बीच में करवा लिया जाए। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।